कोरोना की पहली लहर का कहर थमा तो लगा कि अब समय मिल गया संभलने का, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने का। एक साल बीत गया और कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हुए कि स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई और मरीज अब भगवान भरोसे नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की मार है और सिस्टम लाचार है। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का टंका बजाने वाली राज्य सरकारों की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रूह को कपा देने वाली हैं। जहां ये कहा जाता था कि संसाधन पूरे हैं, वो कोरोना का कहर देखकर ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसे हालात बनेंगे सोचा नहीं था। पानीपत से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सिस्टम की पोल खोल कर रख देती हैं। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। एक शख्स जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे एक ढंग का ऑक्सीजन मास्क तक अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध नहीं करवा पाया। अपने पति को चंद सांसें देने के लिए उसकी पत्नी घंटों तक वही टूटा मास्क हाथ में पकड़कर बैठी रही, बार बार डॉक्टरों से दूसरा मास्क लगाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ना तो किसी डॉक्टर ने और ना किसी नर्स ने इतनी जहमत उठाई कि इस मास्क को बदल दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि शख्स जिंदगी की इस जंग को हार गया। दिक्कत सांस में दिक्कत थी और उन्होंने बिल्कुल वो मास्क दे देते तो थोड़ा काम चल जाता सर। हमने टूटा हुआ मास्क भी ऊपर से पहनाया मैंने उसको एकदम से और लोच रहे बिल्कुल और यूं देख के हंस रहे वो बिल्कुल। सिस्टम इससे पहले इतना लाचार कहां था? कोरोना की पहली लहर का कहर थमा तो लगा कि अब हालात संभल जाएंगे, क्योंकि सरकारें तैयार है, सिस्टम तैयार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तैयार है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन यहाँ तो हाल पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। पानीपत का हाल बुरा है, लेकिन चरकी दादरी में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। यहाँ कोरोना से कोई अपनी जान गवाए न गवाए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं से तो वाकई इस जंग को हार जाएंगे। यहाँ कई घंटों से मरीज बिना लाइट के अपने बेड पर पड़े हुए हैं। आलम ये था कि एक मरीज ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मैं 26 तारीख से यहाँ एडमिट हूँ। स्टाफ टाइम से दवाइयाँ नहीं दे रहा, मैं कोई केयर कर पा रहा, प्लीज सर कुछ करो। कहीं बैठ कर रोना तो कहीं ऑक्सीजन की कमी कर रोना, लंबी लंबी कतारें लगी हैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए। कमी गिनाएं तो किसकी गिनाएं? उस सरकार की जिन्होंने आश्वासन दिया था कि अब कोरोना को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। उस सिस्टम की जिसने कहा था तैयारी पूरी है, या उन लापरवाह लोगों की जिनकी लापरवाही की वजह से आज पूरी इंसानियत खतरे में है। पानीपत से प्रदीप रेडू और चरखी दादरी से प्रदीप साहू, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।